मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी वाटर, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। आप भी सोच रहे हो कि आज ये इंग्लिश चैनल पर वाटर वाटर की पोएम कहाँ से चालू हो गई? डोंट वरी, है तो ये इंग्लिश प्रोग्राम ही, लेकिन आज का ये टॉपिक है पानी, वाटर। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुछ वोकैबुलरीज रिलेटेड टू वाटर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। द वेरी फर्स्ट वोकैबुलरी इज ऑल अबाउट फ्लो। फ्लो मीन्स बहना। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर भी आप बात करते हो कुछ भी मूवमेंट होने की वाटर की, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से द रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी, नदी बहती है पूरे शहर में। सो वेन एवर देर इज एनी मूवमेंट ऑफ स्टेडिली और कंटिन्यूसली ऑफ वाटर इन अ करंट और अ स्ट्रीम सिचुएशन, सो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं फ्लो। लेट्स सी द एग्जाम्पल। टीयर बिगैन टू फ्लो डाउन हर चीक्स, उसके आंसू बहने लगे, तो बहने के लिए वी आर यूजिंग हेयर फ्लो। लेट्स टॉक अबाउट अनदर वोकैबुलरी, दैट इज ड्रिप। ड्रिप मीन्स विच मीन्स टू लेट फॉल और टू बी एज वेट टू शेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स और लिक्विड। सो जहाँ पर भी हम कुछ टपकने की और गिरने की बात करते हैं, देयर वी से ड्रिप। फॉर एग्जाम्पल, वाटर ड्रिप्ड फ्रॉम द लीकी रूफ, छत से कभी कभी पानी टपकता है, सो देयर वी कैन यूज ड्रिप। और द मेल्टिंग आइस ड्रिप्ड ऑन टू द फ्लोर, कभी बर्फ जम जाती है, नीचे गिरती है ना एकदम से, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज ड्रिप। अनदर वर्ड इज पोर। जब भी आप कुछ पोर करते हो, डालते हो, इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज पोर, विच मीन्स फ्लो रैपिडली इन अ स्टेडी स्ट्रीम। फॉर एग्जाम्पल, शी पोर्ड द वॉटर इन टू द कप एंड रेन पोर डाउन होल डे, पूरा दिन बारिश होती रही, सो रेन पोर डाउन होल डे। अनदर वोकैबुलरी इज स्प्लैश। स्प्लैश क्या होता है? ऐसे छींटे मारते हैं ना किसी के फेस पे, वेन एवर समबडी इज अनकॉन्शियस, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज स्प्लैश, विच मीन्स टू कॉज लिक्विड और टू स्ट्राइक फॉल ऑन समथिंग इन इरेगुलर ड्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल, ही स्प्लैश्ड वाटर ऑन हिज फेस, और चिल्ड्रन लव टू स्प्लैश अराउंड इन पडल्स। अनदर वन इज स्पिल। स्पिल मीन्स गिरा देना। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर भी आप बात करते हैं कुछ भी लिक्विड को गिरा देने की, वेन यू कॉज और अलाउ एनी लिक्विड टू फ्लो ओवर द एज ऑफ इट्स कंटेनर, सो दैट टाइम वी कैन से स्पिल। फॉर एग्जाम्पल, शी स्पिल्ड द मिल्क ऑन द टेबल, उसने टेबल पर दूध गिरा दिया। और बी केयरफुल नॉट टू स्पिल द पेंट, पेंट मत गिरा देना। तो कुछ भी गिराने के लिए वी कैन से स्पिल। नेक्स्ट इज बॉयल। बॉयल मीन्स उबालना। वेन यू हीट अ लिक्विड टू अ पॉइंट when it turns into vapor, there we use boil. For example, can you boil some water for tea? Or the soup needs to boil for another 10 minutes. So boil is ubalna. Next is evaporate. Evaporate is a process of turning from a liquid to vapor. For example, the morning dews quickly evaporated. Subha os ki boonde ekdam se evaporate ho jati hai. So here we can use evaporate. Let's take another example. The water in the dish evaporated under the sun. Another word for liquids is condense. Condense means changing form of a gaseous to a liquid state. For example, the steam will condense into water droplets. And we can also say it, cold air causes the moisture to condense on the window. Have you seen? Thand ke time par window par boonde aa jati hai. So air turns into liquid. So there we can say condense. नेक्स्ट इज फ्रीज। ये तो पता होगा, फ्रीज इज जमाना, कुछ भी जम जाना, व्हेन लिक्विड टर्न्स इनटू आइस, एट दैट टाइम वी कैन यूज फ्रीज। फॉर एग्जांपल, द वाटर इन द बोल विल फ्रीज ओवरनाइट एंड इट इज सो कोल्ड दैट द लेक माइट फ्रीज, इतनी ठंड है कि लेक भी शायद जम जाए, सो जमने के लिए वी आर यूजिंग फ्रीज। एंड पिघलने के लिए वी कैन से मेल्ट। So another word is melt, when a solid turns to a liquid state due to heat. For example, the ice cream started to melt in the sun. Snow will melt quickly today. Aaj snow jaldi pighal jayegi kyunki garmi ho rahi hai, so at that time we can say melt. Kuch bhi pighalna hai, pighalne ke liye we can say melt. Let's talk about another word, that is soak. Soak, Hindi mein bolte hai na kuch bhi soakna, कुछ भी एब्जॉर्ब करना, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज सोक, व्हेन यू मेक और अलाउ समथिंग टू बिकम थॉरली वेट बाय इमर्सिंग इट इन अ लिक्विड। फॉर एग्जांपल,
आई सोक द क्लोथ्स इन डिटर्जेंट, कपड़े भिगो के रखते हैं, देन वी कैन से सोक, और वी कैन से द रेन सोक्ड थ्रू माई जैकेट. अनदर वर्ड इज सबमर्ज. हैव यू हर्ड सबमरीन, पानी के नीचे रहती है, तो कुछ भी चीज़ जब पानी के अंडर है, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज सबमर्ज टू कॉज टू बी अंडर द वॉटर. फॉर एग्जाम्पल, ही सबमर्ज द वास इन द वॉटर टू क्लीन इट, उसने वास को पानी के अंदर डाला ताकि वो साफ हो जाए. और वी कैन से द सबमरीन कैन सबमर्ज क्विकली. लेट्स टॉक अबाउट मोर वोकैबुलरीज. अनदर वन इज फ्लोट. फ्लोट मीन्स तैरना. कुछ भी जब पानी के ऊपर तैरता है उसको हम फ्लोट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लीव्स फ्लोट ऑन द पॉन्ड. लीव्स पानी के ऊपर तैर रही थी. एंड वी कैन ऑल्सो से द बोट विल फ्लोट इवन इफ इट इज़ फिल्ड विद वॉटर. बोट पानी के ऊपर तैरेगी, तैरे के लिए फ्लोट. और तैरने के लिए तो फ्लोट बोलते हैं, लेकिन व्हाट यू से डूबना, डूबने के लिए वी कैन से सिंक, विच मीन्स टू गो डाउन बिलो द सर्फेस ऑफ समथिंग, स्पेशली ऑफ अ लिक्विड. फॉर एग्जाम्पल, द रॉक सैंक टू द बॉटम ऑफ द पूल. पत्थर बिल्कुल पानी में डूब गया. और यू कैन से द शिप सैंक आफ्टर हिटिंग एन आइसबर्ग. डू यू रिमेंबर टाइटैनिक डूब गई थी, तो डूबने के लिए वी कैन यूज सैंक. अनदर एंड लास्ट वन इज वेरी कॉमन, दैट इज ड्रिंक, पीना. टेक लिक्विड इन द माउथ एंड स्वॉलो इट. फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक वाटर एवरी मॉर्निंग. और वी कैन से शी ड्रैंक हर ट्री स्लोली, उसने धीरे धीरे अपनी चाय पी. सो दीज वर सम वोकैबुलरीज विच वर रिलेटेड टू वाटर. जहाँ पर भी हमने पानी की बात करनी होती है, कुछ भी लिक्विड की बात करते हैं, उसे हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दीज वर सम वर्ड्स. सो आई होप यू गॉट सम इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे एंड यू मस्ट हैव लर्न समथिंग. फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग लेसन्स, join us on NIL.